प्रायोजित फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। सिमरिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ने आज पत्रकार वार्ता करके कई सनसनीखेज आरोप लगाए। उनका कहना था अगले 48 घंटे उनके ऊपर भारी हो सकते हैं, ईडी का छापा भी उनके ऊपर पड़ सकता है। यही नहीं, आज उन्होंने अपने सर पे सफेद रंग का कपड़ा बांध रखा था। उनका कहना था अब मैंने कफन बांध लिया है, मुझे डर है ईडी मुझे मेरे परिवार को परेशान कर सकती है। ये निश्चित रूप से तय है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने गलत कोई काम किया नहीं है। अगर कोई आदमी गलत करता और उसे सूचना मिलती है तो उसके यहाँ तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से मुझे सूचना मिली है कि मेरे यहाँ अगले 48 घंटे में ईडी छापा मार सकती है, उसको लेकर मैं बेहद परेशान हूँ। कई सनसनीखेज आरोप सिमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा, वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी ने पत्रकार वार्ता करके लगाए। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान अभय मिश्रा ने क्या कुछ कहा। किस तरह की कार्रवाई होने वाली है? देखिए, सबको इतना मालूम है पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 3 बार शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 3 ही बार सिंगरौली के प्रभारी मंत्री कौन बने लगातार? भाई कौन बने सिंगरौली प्रभारी मंत्री और सिंगरौली में ऐसा क्या विकास कर दिया? आर्थिक राजधानी कौन है? मध्य प्रदेश में 2 है, 1 नंबर में सिंगरौली, 2 नंबर पर इंदौर। सीएम साहब का और इनका रिश्ता गहरा है, उस गहरे रिश्ते को नहीं मिटाया जा सकता। और रीवा में कुशाभाई ठाकरे की भाजपा नहीं है, राजेश शुक्ला जी के ठेके की भाजपा है। मुझे थोड़ा गलत फहमी हुई कि ये मंत्री नहीं है, शायद समय बदल गया है, पर नहीं, ऐसा नहीं था। ये वो चीज आज भी जिंदा है। अब दूसरी बात आप क्या पूछना चाह रहे? सर पे आप ये सफेद कपड़ा बांध के मैंने ये कफन बांध लिया, मैं कफन बांध के निकल गया हूँ। जैसे अभी ईडी का छापा डाल रहे ना, ये जेल में हमको जहर दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर हमको 48 घंटा पहले अल्टीमेटम दिया गया था। इस तरीके का अल्टीमेटम है, कौन दिया सर अल्टीमेटम आपको? कोई बहुत बड़े व्यक्ति है पार्टी के, हैं तो हमारे हितैषी थे। कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि कई जगह ईडी की कार्रवाई हो सकती है। मुझे मुझे वो मतलब मैंने मुझे म्यूट हो गया, टाइम नहीं, अखबार तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। रात 3 बजे आता हूँ, सुबह निकल रहा जाता हूँ, मुझे इतना नहीं मालूम। मुझे किसी बड़े बड़े नेता ने जिनसे हमारे संपर्क रहे होंगे, उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया कि मान जाओ है बहुत नुकसान हो जाएगा एक विधायक जी के चक्कर में, तो ये जो जीत पाल लिए हो, फार्म भर लिए हो, ये भी रिपोर्ट है कि तुम एक तरफा जीत रहे हो, पर इसके चक्कर में तुम्हारा सब तहस नहस हो जाएगा। अगर तुम हाँ करो तो मैं समझाऊं, ईडी का छापा रोकूं, नहीं तो तुम सालों जेल से भी छूटोगे और तुम्हारे सब निकाल लिया गया है। कंपनियों में तुमने पत्नी का नाम लिखवा रखा है, बच्चों का लिखवा रखा है, जबकि उनका लेना देना नहीं है, पर वो सब मुजरिम बनेंगे, सब जेल जाएंगे, तो मान जाओ। तो नहीं कर सकते, मैंने 48 घंटे बाद जब भी उनका दोबारा मैसेज आया किसी के माध्यम से तो हमने मना कर दिया। हमने कहा मरना पसंद करूंगा लेकिन ये नहीं, मैं करूंगा। इसके बाद हमको एक सही मैसेज और जानकारी आ गई कि अब आप आज तैयार हो जाओ, आज आपके यहाँ सब है। मुझे मालूम है कि आज मेरे यहाँ ईडी का छापा पड़ना है, मेरे यहाँ इनको कुछ नहीं मिलेगा। जब किसी को मालूम है पड़ जाएगा उसका ईडी का छापा पड़ना है तो मिलेगा क्या? लेकिन जब कोई इस इंटेंशन से आ ही रहा है इसको चुनाव से रोकना है,
तो कुछ न कुछ तो तैयार कर ही लेगा, कोई न कुछ तो पैदा कर ही लेगा, इतना तो कर ही लेगा कि 4-6 महीने के लिए बुक कर दो। अगर ईडी की कार्रवाई होती है तो अगले कदम आपका क्या होगा? जेल। जेल के बाद देखिए, मुझे दिक्कत ये है कि ईडी में अगर ये हमको बस करे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी लड़ाई जनता लड़ लेगी, मुझे विश्वास। लेकिन ये थोड़ा सा समझाइए, लेकिन ये हमारी कंपनियां जितनी है, हमारी 8-9 सब में कहीं बच्चे हैं, कहीं पत्नी है, सब आदमी नाम लिखाते हैं, विश्वास। ये उनको सबको मुस्लिम बना रहे और सबको जेल भेजेंगे। हमारी पत्नी कितनी सीधी शादी आप जानते हैं, वो भी जेल जाएंगे, बच्चे भी जेल जाएंगे। राजेंद्र शुक्ला जी ने गृह मंत्री जी को परसों से ये समझा दिया है, इस आदमी को बोतल के अंदर बंद करो, नहीं तो 8-8 सीट हवा देगा। और इनके कहने पर वो कन्विंस होकर उन्होंने पूरी कार्रवाई वहां करा के आज यहाँ टीम उतर गई है, और कल शाम तक ये कार्रवाई चलेगी, और कल रात के बाद ही हमको जेल भेज देंगे। और ईडी की बड़ी कार्रवाई, जेल जाने से कोई डर कुछ ऐसा है? मुझे जेल और जानने से डर नहीं है, मैं बचपन से लड़ते पैदा हुआ हूँ, मैं मरने को नहीं डरता, मैंने तो कफन बांध ही लिया है, मैं जीवन में मरने और को नहीं डरता, ना मैं और किसी चीजों को डरता हूँ। मुझे इतना तकलीफ देनी रहेगी कि मेरे बच्चे जो दूर स्कूल के पढ़े हैं, लंदन में पढ़े हैं, PhD हैं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में मास्टर हैं, जिन्होंने किसी को ऊंची आवाज में आज तक बात नहीं की है, उनको भी हमारे साथ। 2018 के चुनाव में भी आपको रोक किया गया था? हाँ, ये 2018 के चुनाव में ये क्या रोकते, हमने तो 6 महीना पहले वो करके मैंने इनको इसे लड़ने के लिए आया था, उसमें आमने सामने की लड़ाई थी, उस समय ये हराने का प्रयास किया गया था, जिताने का प्रयास किया गया था मेरी ओर से, ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार इनको बड़ी मिर्ची लगी, ये तो हमको बिस्कुट खिला रहे थे कि 4 दिन और टहलाओ, अंतिम में बिस्कुट दे दो, और वो पलट के इनको तमाचा मार के निकला, इनके आंखें बकत रही, अब ये अंदर अंदर तड़प रहे, ऊपर से सीट जा रही, तो सीट बचाने के लिए ये संभालने अभी ईडी यहाँ भी शुरू कर दी। क्या घर में विजिट हुई है ईडी की? मुझे पूरी जानकारी है, आज रात से लेकर कल सुबह 5 बजे तक ये छापा मार देंगे और सब कुछ कर देंगे। चर्चा मैं किसी के बाद भीड़ थोड़ी मांगने ले जाऊंगा, वो मैं उनका विरोधी हूँ, वो हाथ में जल लेकर बच्चे के फोटो में हाथ रखकर कब कसम खा गए, कब झूठ बोल गए, मैंने बहुत देख लिया। उन्होंने कोई चेतावनी दी कि अगर वापस आ जाओ? ये सब बातें मैंने बताया ना कि कोई बड़े आदमी जो है वापस तो नहीं बोला, पर धमकी दी थी कि मत लो चुनाव, सब कुछ अभी तक का बर्बाद हो जाएगा। और मैंने चुनाव लड़ने की ठानी है सवरिया में, मैं नहीं चाहता हूँ कि आतंक का गढ़ बने और ये विधायक फिर से जीते, मैंने वो बीड़ा उठाया है, उसका मुझे यही परिणाम मिलेगा। अगर ईडी आपको बुलाती है पूछताछ के लिए या गिरफ्तारी के लिए, आप जाएंगे? गिरफ्तारी तो कल शाम तक हो जाएगी मेरी, और मेरे परिवार भी हो जाएगी, और चुनाव के बाद छोड़ा जाएगा जेल, और जेल में रहेंगे? हाँ, जेल में रहेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे जेल में? आप माने लिए कि आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि सिमरिया क्षेत्र की एक एक जनता जिसको मालूम है कि लड़ाई किस बात कैसे तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे धोखा मत करना, और अगर मैं तुम्हारे लिए जेल जाने को तैयार हूँ, सब न्यौछावर करने को तैयार हूँ, और इसके बाद भी अगर तुमने साथ नहीं दिया और चुनाव में एक तरफा विद्रोह करके। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।